आज बिहार में पहली बार तो 43 साहब ही गया था ना। आगे जब चुनाव होगा ना, जिनका आप नाम ले रहे हैं ना, कहिएगा जाएंगे नालंदा, तो आगे आने वाले चुनाव में बिहार की जनता बता देगी कि इनकी हैसियत क्या है। एक बार भी नीतीश बाबू बता दें कि बिहार में विकास को लेकर करके किसी मुद्दे पर वहाँ चर्चा किया। यू में रह करके बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत जरूर किया, लेकिन इसका फलाफल ये रहा कि हमारी पार्टी 43 सीटों पर सिमट गई। क्या बीजेपी में भी उसी तेवर के साथ? देखिए, एक बात मैं बता दूं, जिनका आप नाम ले रहे हैं ये सब को मैं जानता नहीं हूं, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि खुद मान रहे हैं ना कि जब मैं था तो वो पार्टी गई बूथ स्तर पर, और बूथ स्तर पर संगठन मजबूत हुआ, तो बूथ स्तर पर संगठन मजबूत होगा तब ना पार्टी आगे जीतेगी। सीट काहे नहीं आया तो जरा पूछें कि क्या किया काम इन लोगों ने। आज बिहार में पहली बार तो 43 साहब ही गया था ना। आगे जब चुनाव होगा ना, जिनका आप नाम ले रहे हैं ना, कहिएगा जाएंगे नालंदा, नालंदा के लोग खड़े हैं उनके लिए, उनको पते चल जाएगा कितना वोट इस बार मिलता है। ये तो अपनी अपनी सोच का है। भारतवर्ष में लोकतंत्र जीवंत है, लाइवली है, और संसद में जितने भी हमारे सांसद हैं सब लोग देश के जितने मुद्दे हैं उस पर चर्चा करते हैं, और उसको अगर इस नज़र से देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र के बारे में इन लोगों की क्या सोच है। हाँ, अगर यही सोच इन लोगों की है तो आगे आने वाले चुनाव में बिहार की जनता बता देगी कि इनकी हैसियत क्या है। ताबूत करना कहाँ तक सही माना? अरे बहुत ही गलत है, ये लोकतंत्र का अपमान है, भारतीय लोकतंत्र का अपमान है, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, बिहार की सरकार सीधे सीधे बहिष्कार की राजनीति कर रही है, नुकसान कितना होता है। नीतीश बाबू का आप निकाल के देख लीजिए, पिछले वर्ष में कितनी बार वो दिल्ली गए हैं। एक बार भी नीतीश बाबू बता दें कि बिहार में विकास को लेकर करके किसी मुद्दे पर वहाँ चर्चा किया हो। किस मुद्दे के लिए वहाँ जा रहे हैं? सिर्फ विपक्षी एकता के लिए, सिर्फ पॉलिटिकल काम के लिए? उनकी जिम्मेवारी क्या है? उनकी जिम्मेवारी है कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार में कैसे विकास हो, बिहार को कैसे ज़्यादा संसाधन उपलब्ध हो। अब बिहार में वो रोज़ कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा उठाते कहाँ हैं? सार्वजनिक सभा में, सीएम हाउस में, ये फोरम है, नीति आयोग का फोरम है, जहाँ वो जाते मजबूती से अपना पक्ष रखते तो ये बात बनती। तो देखिए, इस प्रकार जो बहिष्कार की राजनीति कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। वो आज बिहार के विकास के बारे में सोचते नहीं, भूल गए हैं। वो समझते हैं कि उनकी ये जिम्मेवारी नहीं रह गई, वो सिर्फ पूरा आज पूरा का पूरा 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ राजनीति में दे रहे हैं, जो ठीक नहीं है। मंत्री